स्टार्ट। अज तुसी मेरा जो सत्कार कीता है मैं उस लई तुहाडा धन्नवादी हाँ, अते मैं इस दी सदा कदर करदा रहांगा क्योंकि मेरा ये सत्कार उस विश्व विद्यालय वालों कीता जा रहा है जिस ने साड़ी एक आधुनिक भाषा नू विद्या दा माध्यम बनाउन विच पहल ही नहीं कीती सगों सारे वैज्ञानिक अते गैर वैज्ञानिक विषयां दी पढ़ाई दियां किताबां भी उसे भाषा विच तैयार करने अते प्रकाशित करन विच सारियां दे वधेरे अगवाई कीती है डंडिंग। मैनू ये काम अपने आप विच ते चुनी गई भाषा दे दियां हदां दे अंदर बड़ा उत्साह वधाऊ प्रतीत हुंदा है क्योंकि जदों तो मैं समुचे कम्मां विच उगा हिस्सा लेना शुरू कीता है मैं इस सवाल विच बहुत दिलचस्पी लेंदा आया हां डंडिंग। मैनू खुशी है कि अजकल लोकां विच इस विषय बारे बहुत चेतनता पैदा हो गई है। बौद्धिक वित्तक हल्के आम तौर ते मानते हन कि जे असी अपने विद्यक प्रयत्नां नूं व्यर्थ जाने तों बचाउणा है तां इह अति जरूरी है कि विद्या साडी अपनी भाषा विच दित्ती जावे डंडिंग। इह सब कुछ हुंदिया होया भी कुझ लोकां विच इस बारे शंके हन कि भाषा दी कहिड़ी नीति साडे मनोरथां दी प्राप्ति लई सब तों वध ढुकमी हो सकदी है डंडिंग। मैं इस बारे तुहाडी आग्या नाल कुझ शब्द कहना चाहुंदा हां डंडिंग। मैं समझदा हां कि इस देश विच हर कोई जानदा है, नहीं तां मैं चाहुंदा हां कि हर कोई जाने कि भारत दे स्वाधीन लोकां ने अपनी विधान सभा राही देश लई जेड़ा संविधान बनाया है उस हेठ साडा ये फर्ज है कि असी देश विच एक लोक राजी समाज कायम करिए जिस विच हर व्यक्ति अते होर लोक समूह नूं ये समझण दा ही अधिकार होवे अते अवसर मिले कि ओ की कुछ कर सकदा है। नाल ही हर व्यक्ति नूं राजां विच अते केंद्र विच सरकार दी नीति मिथण दे भी समान अवसर दित्ते गए हन डंडिंग। इस करके साडे लई जरूरी है कि विद्या दे माध्यम बारे नीति दा फैसला करन लग्या असी इस आदेशक अनुग्रह नूं ध्यान विच रखिए डंडिंग। मैनू ये दसण दी लोड़ नहीं कि विद्या एक बड़ी वड्डी शक्ति है अते मनुख इस तों वांझिया हो के अपने आप नूं पूरी तरह नहीं समझ सकदा डंडिंग। इस करके ये स्पष्ट है कि विद्या दे तरीके अते वसीले एहो जिहे होने चाहिदे हन जिन्हां विच मनुख अते मनुख दा अते किसे एक लोक समूह दा दूजिआं नालों वितकरा ना होवे डंडी बराक। इस तों ये पता लगदा है कि किसे एक काफी वड्डे भाषाई लोक समूह दी हर किस्म दी विद्या मुढली उचेरी अते विश्व विद्यालयां दी अपनी बोली विच दित्ती जानी चाहिदी है डंडिंग। केवल इक्को ही तरीका है जिस नाल उस नूं विद्या दे लाभ प्राप्त करने लई किसे
दूजे लोक समूह वालों वधेरे धन समा अते शक्ति खर्च नहीं करनी पैंदी डंडिंग किसे भी होर तरीके नाल एक लोक समूह जिस नू के दूजे लोकां दी बोली विच विद्या प्राप्त करनी पवेगी दूजियां लोक समूहां नालों मुश्किल रहेगी। इसका मतलब यह है कि विद्या हर हालत विच संबंधित इलाके की भाषा विच दित्ती जानी चाहिदी है। डंडी।